24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल, आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कलेक्टर श्री गुप्ता ने टिमरनी क्षेत्र का दौरा कर निर्माण कार्य देखे। पंचायत सचिव की सेवा समाप्त कर FIR दर्ज कराने के दिए निर्देश। हरदा कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने बुधवार को टिमरनी विकासखंड के ग्रामीण क्षेत्र का दौरा कर वहां रोजगार गारंटी योजना के तहत संचालित निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान ग्राम पानतलाई में आंगनवाड़ी भवन अधूरा पाए जाने तथा काफी समय से उसका निर्माण कार्य बंद रहने पर नाराजगी प्रकट की और इसके लिए जिम्मेदार पंचायत सचिव श्री यशवंत सोलंकी की सेवाएं समाप्त करने तथा संबंधित के विरुद्ध शासकीय राशि के दुरुपयोग के संबंध में FIR दर्ज कराने के निर्देश उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत सचिव से बकाया राशि वसूली की कार्यवाही भी तत्काल प्रारंभ की जाए। इस दौरान कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा श्रीमती प्रियंका मेहरा सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर श्री गुप्ता ने पानतलाई से आलमपुर के बीच 25 लाख रुपए लागत से निर्मित होने वाली सुदूर सड़क के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। यह कार्य भी वर्ष 2017 से प्रचलित है तथा अपूर्ण है, इस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की। उन्होंने ग्राम पंचायत बारकला के ग्राम चारखेड़ा में सड़क किनारे कचरा एकत्र किया हुआ देखकर नाराजगी प्रकट की तथा तहसीलदार को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के लिए लोगों को जागरूक करें तथा पंचायत सचिवों को गांव में साफ सफाई रखने के निर्देश दें। ग्राम मनियाखेड़ी में कलेक्टर श्री गुप्ता ने सड़क पर मुरुमीकरण का कार्य देखा जो कि बंद था, इस पर उन्होंने नाराजगी प्रकट की। उन्होंने रहड़गांव में तहसील कार्यालय के पास निर्माणाधीन परकोलेशन टैंक के निर्माण कार्य का भी जायजा लिया तथा वहां कार्यरत मजदूरों से चर्चा कर उनके कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी ली। उपस्थित सभी 27 मजदूरों की उपस्थिति की जांच की तथा मजदूरों से मजदूरी भुगतान के संबंध में पूछताछ की। उपस्थित मजदूरों ने बताया कि लगभग 4-5 सप्ताह देरी से ही उनके खाते में मजदूरी जमा की जाती है। कुछ मजदूरों ने मजदूरी का भुगतान न होने के संबंध में भी कलेक्टर श्री गुप्ता को बताया, जिस पर उन्होंने उपस्थित सहायक यंत्री को मामले की जांच कर मजदूरों को उनकी मजदूरी भुगतान कराने के निर्देश दिए।